नमस्कार दोस्तों, आज फिर काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर से भी एक रेस्टोरेंट का संचालन कर सकते हैं और अपना बिना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किए भी अपना कस्टमर बेस शुरू में ही पा सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि जोमेटो और स्विगी हो गए, जिनके पास रेस्टोरेंट्स भी अटैच होते हैं एज मर्चेंट पार्टनर्स, और एज डिलीवरी पार्टनर्स उनके पास डिलीवरी बॉयज़ भी काफ़ी संख्या में होते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जगह लें और उस जगह को मतलब कमर्शियल जगह पे ही आप इसको शुरू करते हैं सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे देखे गए हैं कि लोगों ने अपने घर से भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं और उसको अटैच करा दे रहे हैं जोमेटो और स्विगी पर, और क्योंकि वो लोकेशन दिखाता है उस जगह का, इसलिए डिलीवरी बॉयज वहाँ चले जाते हैं, अपना जो है ले लेते हैं और ले जा करके वो ग्राहक तक पहुँचा देते हैं। और इस तरीके से बिना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किए, बिना कोई कमर्शियल लैंड कमर्शियल प्लेस लिए भी आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास डायरेक्ट भी आएँ और आपको जो भी 20% या 25% कमीशन देना पड़ रहा है जोमेटो या स्विगी को, वो ना देना पड़े, तो आप जो है अपनी तरफ से भी लीफलेट्स बांट करके, ब्रोशर्स बांट करके आप जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी जगह तक। तो इस तरीके से आप अपना जो है खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट या फूडकार्ट भी शुरू कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, कई सारे जो प्राइवेट जॉब्स थे उनको लोग छोड़ करके और उन्होंने स्विच करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आए। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि 10-12 हज़ार कमाने वाले टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और आज जो है वो जो 10-12 हज़ार कमा रहे थे और जिनको लग रहा था कि हमारी जॉब चली गई, आज वो आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं, क्योंकि एक बार जो उन्होंने मेहनत कर दी है केवल उस मेहनत को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, और पुरानी भी जो मेहनत है उनका भी पैसा मिल रहा है, उनको नई मेहनत का भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है। आप यूट्यूब पर जाके देखेंगे तो हालिया आपको कुछ महीने पुराने चैनल्स दिखाई देंगे, उनमें व्यूज़ बहुत है, क्योंकि उन लोगों को भी कभी नहीं मालूम था कि उनके अंदर ये संभावना है। इसी तरीके से आप भी जो है अगर चाहें तो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 या 3 कुक रखने पड़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको खाना तैयार करके रखना पड़ेगा और डिलीवरी बॉय आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर एक सिस्टम रख करके उसका सॉफ्टवेयर ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप के थ्रू ही आपको सारा मैसेज आता है कि हाँ आपका ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर में क्या बनाना है, डिलीवरी लेने कौन आ रहा है, और उसके बारे में कि उसका डिलीवरी बॉय का कैसा है वो रेटिंग कर सकते हैं आप। और इस तरीके से आप बैठे बिठाए चाहें तो ऑर्डर पे ऑर्डर पा सकते हैं। बस अगर आपका टेस्ट अच्छा रहा तो रेटिंग्स आपके जो है वेंचर को अच्छी मिलेंगी, और जैसी जैसी आपकी रेटिंग्स अच्छी होंगी, तो क्योंकि आज की तारीख में लोग रिव्यूज़ बहुत पढ़ रहे हैं और रिव्यूज़ पढ़ के ही कोई भी चीज़ की मार्केट से डिमांड करते हैं, चाहे ऑनलाइन भी हो या कोई भी चीज़ हो, उसके रिव्यूज़ बहुत पढ़ते हैं, उसकी रेटिंग्स देखते हैं। अगर आप किसी ऐप को भी देख लेंगे तो आप भी किसी ऐप को ऐसे डाउनलोड नहीं करते हैं, आप उसके रिव्यू को पढ़ते हैं, उसकी कितनी रेटिंग्स हैं पढ़ते हैं, कितना डाउनलोड हुआ है, जो बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुआ होता है आप जनरली उसी को जा करके डाउनलोड करते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि खाना जो है वो ताज़ा हो, और उसके साथ ही जो है वो टाइमली आप कर दें, क्योंकि अगर आप टाइमली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके चार्जेस कटने लगेंगे और जो डिलीवरी पार्टनर आया हुआ है आपके पास उसका बढ़ने लगेगा और आपका कम होने लगा, तो आप ही का हिस्सा उसके पास चला जाने लगता है जब आप देर करते हैं। फिर बहुत देर करने में फिर जो है कस्टमर ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो ये केवल एक सुझाव था, बाकी एक ऑप्शन के रूप में आप इसको देख सकते हैं अगर आपका मन हो, नहीं तो आपको जो पसंद है वो आप कर ही रहे होंगे या करना चाहें तो आगे कर ही सकते हैं। नमस्कार।